नमस्कार, पेश है आज की प्रमुख खबरें। क्रिकेटर सीरीज का इधन, साथ में दबंग बनकर उभरे नरेंद्र मोदी। चेन्नई को आईपीएल से हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब हमेशा रहेंगे जवान, उम्र होगी 120 साल। अब समाचार विस्तार। क्रिकेटर सीरीज का निधन। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट बल्लेबाज सीरीज का गुरुवार सुबह अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें शेफील्ड शील्ड और न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच के दौरान एक बाउंसर लगने के बाद मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के डॉक्टर पीटर बुकनेर ने भारी मन से कहा कि मुझे यह सूचित करते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि फिर यूज नहीं रहे। फिर की मौत की खबर से दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी शोक में टूट गए। वह होनहार क्रिकेटर थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 25 एक दिवसीय मैच खेले थे। सार्क में दबंग बनकर उभरे नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू सार्क देशों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। पाक को छोड़कर सभी देशों को मोदी में नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। भारत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में कई देशों के नेताओं ने पाकिस्तान के अड़ियल रुख की आलोचना की है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला की मध्यस्थता के बाद मोदी और शरीफ ने हाथ तो मिलाया, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं। चेन्नई को आईपीएल से हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान बीसीसीआई को निर्देश दिया है कि वह चेन्नई सुपर किंग्स टीम की मान्यता रद्द करे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में अब और जांच नहीं होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई से जस्टिस मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने को कहा, जिसमें चेन्नई के अधिकारी गुरुनाथ मैयप्पन स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल पाए गए। अब हमेशा रहेंगे जवान और उम्र होगी 120 साल। लंबे समय तक युवा बने रहने की बात करना अब किसी सपने की तरह नहीं होगा। दूसरी वैज्ञानिकों के प्रयास से यह सुंदर ख्वाब हकीकत में बदलने जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वह दिन दूर नहीं जब इंसान 120 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की एक टीम नई तरह की एंटी ऑक्सीडेंट का परीक्षण कर रही है, जिसमें उम्र की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। इसका परीक्षण चूहों, मछलियों और कुत्तों पर किया जा रहा है।